मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। 50 मीटर और 25 मीटर शूटिंग रेंज में गोल्ड मेडल मिला है। मध्य प्रदेश अकादमी के ऐश्वर्य और चिंकी यादव को गोल्ड मेडल मिला है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने वर्ल्ड कप में सोने पर निशाना साधा, गोल्ड पर निशाना साधा और 2 स्वर्ण पदक देश को दिलाए। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्य तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया और देश विदेश के नामचीन निशानेबाज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। हम रुक करेंगे इस वक्त, हमारे साथ चिंकी यादव फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, जो कि खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला वर्ग की व्यक्तिगत 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 32 पॉइंट के साथ ये मेडल जीता है। चिंकी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। चिंकी, जानना चाहेंगे, हर खिलाड़ी के सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी जरूर होती है, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां, कितना संघर्ष इस सफलता के पहले आपको देखना पड़ा, कितनी खुशी होती है ऐसी उपलब्धि हासिल करना? संघर्ष तो सभी की लाइफ में होता है, संघर्ष के बिना तो जिंदगी में कुछ चीज हासिल करना नामुमकिन है। तो वो चीजें तो रहती है, और खुशी की बात है तो हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा के भी सपने हैं, तो उनको मुझसे ज्यादा उनको खुशी हुई इस चीज को लेके। आई एम सो हैप्पी जी। और कैसा गाइडेंस आपको अपने कोच से मिला जब वहां पहुंची? तो जाहिर है आपका देश विदेश के अलग अलग खिलाड़ियों से भी सामना हुआ होगा। क्या कभी कोई निराशा या कोई ऐसा लगा कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, बहुत मेहनत करना होगी? ऐसा है कि कॉम्पिटिशन इतना टफ है बेसिकली, बट हाँ, मेहनत करनी ही होगी अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। जी, क्या क्या मैसेज देंगे आप चिंकी, क्योंकि आप मेरी नजर में शायद तमाम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक आइकन है, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपने एक उपलब्धि हासिल की है, किसी आइकन से कम नहीं है आप। तमाम उन खिलाड़ियों को स्पेशली क्या मैसेज देंगे आगे बढ़ने के लिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमेशा अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए लगे रहो, कभी हार नहीं मानना, और एक ना एक दिन वो पूरा होगा, बस आप अपनी मेहनत करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिंकी हमसे बात करने के लिए, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ चिंकी यादव जुड़ी, जिन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला वर्ग की व्यक्तिगत 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ये देश को स्वर्ण पदक दिलाया। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए दोनों ही खिलाड़ियों को, होनहार खिलाड़ियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और ऐश्वर्य और चिंकी को ये शुभकामनाएं दी है।